नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 1,00,000 नौकरियां देने का झूठा झुंझुना चुनाव में नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए पकड़ाया है। भाजपा सरकार श्वेत पत्र लाए कि 18 सालों में कितनी शासकीय नौकरियों में भर्ती की गई है एवं परीक्षा शुल्क के रूप में कितना पैसा वसूला है। जितनी नई भर्तियों में वेतन भी नहीं बांटा उससे ज्यादा तो परीक्षा शुल्क कमा लिया। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के नाम पर छात्रों से परीक्षा शुल्क के नाम पर वसूली कर बड़ा भारी धोखा सरकार द्वारा प्रदेश के नौजवानों को दिया जा रहा है। नौकरियों के नाम पर करोड़ों रुपए परीक्षा फीस के इकट्ठे किए जाते हैं, फिर बाद में अधिकांश परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। प्रदेश में व्यापम ने पिछले 10 सालों में परीक्षा फीस के नाम पर 1,046 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। जनवरी 2022 में कांस्टेबल की 4,000 पदों के लिए 12,00,000 नौजवानों ने आवेदन किए। एमपीपीएससी वर्ष 2019 की परीक्षाएं रद्द की गईं। मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक परीक्षा 2018 में प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। कई महीनों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों के मामले में जो प्रक्रिया हुई थी वह कमलनाथ जी की सरकार के दौरान हुई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मॉर्निंग ब्रीफिंग में आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस पत्रकार ब्रीफिंग में मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अपराजिता पांडे जी और रवि वर्मा जी भी हैं। हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा सरकार नौजवानों को धोखा देने के लिए नौकरी का एक ऐसा छलावा देती है जो कभी पूरा नहीं होता है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले चयनित शिक्षकों की नौकरियां निकाली गईं, जो कि कांग्रेस सरकार आने के बाद हमने प्रक्रिया पूरी करवाई, लेकिन अभी भी चयनित शिक्षकों में पिछड़े वर्गों के शिक्षकों को नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। अब मुख्यमंत्री जी नगरीय निकाय चुनावों से पहले कह रहे हैं कि प्रदेश में 1,00,000 नौकरियाँ दी जाएंगी, जबकि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये 1,00,000 नौकरियां सभी शासकीय विभागों में दी जाएंगी, ना कि प्राइवेट निजी सेक्टर में नौकरियां दी जाएंगी। निजी सेक्टर की नौकरियां कभी भी सरकार की नौकरी नहीं हो सकती हैं। तो हमारी मांग है कि 1,00,000 नौकरियां निकालें लेकिन सभी सरकारी क्षेत्र में दी जाएँ। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो एक बड़ा भारी घोटाला चल रहा है। भर्तियों के नाम पर छात्रों से नौजवानों से शुल्क वसूला जाता है और परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। 18 सालों में जितनी परीक्षाओं से भर्ती करके तनख्वाह नहीं बांटी होगी उससे ज़्यादा भाजपा सरकार ने परीक्षा शुल्क के नाम पर पैसा वसूल कर लिया। अकेले व्यापम और अब जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो गया है, 10 साल के अंदर व्यापम द्वारा 1100 करोड़ रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में वसूले गए, जबकि उसमें से केवल 100-150 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, बाकी सब कुछ सरकार के पास पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में इस समय 2,50,000 से ज़्यादा शासकीय पद विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए हैं, इनमें भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।